हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्णा बेबी केयर ब्लॉग में। देखिए, बाबू है जो अपने पापा का गोद में है। पूरी नाइट अपने पापा को परेशान किया और इसे लेकर हम आ गए थे नीचे, तो इसके पापा सो नहीं पाए, तो सोए लेट से। जब बाबू नीचे आए तब लेट से उठे हैं। और देखिए, हम गोद में लिए हुए थे तो मेरे गोद में रोने लगा, वो भी अपने पापा को ज़्यादा पहचान रही है। और इसके पापा जल्दी को पहले गोद नहीं लेते थे, पर जब से इस बार तबीयत ख़राब हुआ है तब से बहुत ही ज़्यादा इसके पापा गोद ले रहे हैं। और इसे भी अच्छा लगता है, देखिए हाँ हाँ कर रहा है कैसे बोल रहा है। हमारी टिकट बुकिंग होने वाली है, देखिए आजकल में बुकिंग हो जाएगी हमारी टिकट। जा रहे हैं हम लोग बेंगलोर, तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरे बच्चा अच्छे से जाए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग सफ़र हो जा रही है, दो चार दिन जाने में लगेगा हम लोगों को, दो दिन दो रात लगने वाला है बेंगलोर जाने में। इसकी दादी कुछ काम से गई है बाहर। और दोस्तों, बाबू को जब भी लेते हैं ना तो इसको ऐसे लेते हैं ना तो इसको आराम मिलता है। और हमेशा सब कुछ ऐसे हम बोलते हैं लेने के लिए बद रहती है, ऐसे बाबू को आराम मिलेगा, ऐसे रो नहीं रहा है, चुप रहता है। इसके मम्मी जो है जैसे तैसे बाबू को टांग लेती है तो इसको दर्द होने लगता है, जिस कारण रोने लगता है। नहीं दोस्तों, पता है ये ना, ये तो अभी दो चार दिन से ले रहे हैं, पर हम डेढ़ साल से इसको लेते हुए आ रहे हैं। और आज दो चार दिन में ये मतलब अनकम्फर्टेबल मेरे गोद में लगने लगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों कि हम गोद अच्छे से लेते हैं कि नहीं अपने बच्चे को। कृष्णा के पापा को लगता है कि हम गोद में नहीं लेवाते हैं अच्छे से। हमको तो ऐसा ही लगता है गोद में, लेकिन अभी रोते रहे करेगा। जब तक इसको नींद नहीं आएगा तब तक चुपचल नहीं होगा। नींद आएगा तो कहीं चुप हो गया, चुप हो गया। और इसको नींद आएगा तो नहीं होगा। तो नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट इनको लगता है कि हम गोद सही से नहीं लेते हैं, जबकि डेढ़ साल हम ही लेकर इसको ये किए हैं, दिन काटे हैं, रात काटे हैं। और ये दो चार दिन से क्या लेने लगे, इनको लगता है ना कि हम मेरे से अच्छा कोई ले ही नहीं सकता है कम्फर्टेबल। इनको लगता है कि हम अनकम्फर्टेबल करके लेते हैं अपने बच्चे को। ये जैसा मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया, ये भी बात सुनवाते रहता है, कभी अपनी दादी से बात सुनवाता है, कभी अपने पापा से बात सुनवाता है। और एक गुड न्यूज़ है जो बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, कुछ दिनों बाद बताएंगे। अभी बेंगलोर जाकर देख लेते हैं क्या सिचुएशन रहती है। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, अब वो गुड न्यूज़ हम समझे या फिर कुछ भी, बट हमारे मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और लोगों का कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर गोद में बैठ गए तो इसको पता चल गया कि हम बैठ गए हैं, तभी बैठ गए तो इसको पता चल गया। तो इसको देखिए, अब खड़ा हो गए तो भी इसको पता चल गया। मतलब ये बैठ कितना समझदार है कि मतलब बैठना हम गोद में लिए हैं लेकिन बैठे हैं हम, लेकिन इसको पता चल गया कि हम बैठ गए हैं। अब खड़ा हुए वो भी पता चल गया। देखिए ये तो लग रहा है स्प्रिंग है, स्विच है ऑन ऑफ करने वाला। अब खड़ा हो गए ना, अब बताना पड़ेगा कि हम खड़ा हुए हैं। बताना पड़ेगा, बिन बताए से पता चल जाएगा। देखिए, लेकर ये टहल रहे हैं, हम अभी टहल रहे थे लेकर, तो ये मेरे पास चुप नहीं रह रहा था, तो अभी कृष्णा के पापा ले लिए गोद में कि लाओ हम लेते हैं। अब ये घूम रहा है अपने पापा के गोद में। ये भी खूब मजे से है, पर अगला के हाथ में पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, मम्मी के हाथ में पेन होता है कि नहीं, पापा के हाथ में पेन होता है कि नहीं, इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस इसे गोद में रहना है, किसी भी तरह लीजिए, पर इसे गोद में ही लेकर घुमाते रहिए। हाँ, कल भी नाइट में थोड़ी सी फीवर आ गई थी तो दवा दिए, तो अभी ठीक है। देखिए दोस्तों, बाबू की मम्मी पूजा करने जा रही है, आज बार पूजा है, तो बाबू की मम्मी दीदी भाभी ये सब बार पूजा करने जा रही है। मतलब चुनरिया हमारा हमारा
रख रख मु ले तू खरे को बना दे आवे तो तू हेलो जी उज्जवल दे दे जा को मल के उज्जवल बना लीजिए जी दे दीजिए इनको हम लीजिए। हेलो दोस्तों, देखिए बाबू की मम्मी अभी गई है पूजा करने, बर पूजा आ गई है। देखिए दोस्तों, बाबू की मम्मी बर पूजा करने गई थी, अभी आ गई है। कहाँ हुआ है? रो रहा था, रो रहा था, भूख लग गया। ओए जो है आकर के दिखा रहा, भूख लग गया। माम दे पिएगा, माम माम पिएगा। ले गर्मी बहुत ज्यादा क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, हम लोग बाबू के इलाज के लिए बेंगलोर जाने वाले हैं। 11 तारीख को टिकट है हमारा पटना से, शाम 3 बजे है ट्रेन हम लोगों का। बाबू को ले जा रहे हैं बेंगलोर चेकअप के लिए। देखिए क्या होता है, आप लोग सब दुआ दीजिएगा मेरे बाबू के लिए कि ठीक हो जाए मेरे बाबू, जो भी हो अच्छा हो। लंबा सफ़र है बाबू को, इस बार बहुत लंबा सफ़र पर ले जा रहे हैं। आप लोग सब हिम्मत देते रहिएगा, बाबू को सपोर्ट करते रहिएगा, बाबू का हेल्प होते रहे। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा बाबू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्या हुआ, कुछ बोलना चाहिए? देखिए बाबू की मम्मी अभी आई पूजा करके, तो दादी को टीका दे रही। देखिए बाबू इधर भगवान जी करता है।
ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब मेरे बाबू को सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, दुआ दीजिएगा कि मेरे बाबू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम लोग बेंगलोर जाने वाले हैं, आप लोगों को कुछ सब अपडेट देते रहेंगे, रोज वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग सब बाबू को सपोर्ट कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, बाबू जल्द से जल्द ठीक हो जाए।